अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने अपर लिम की जो रीजन है पेक्टोरल रीजन और बैक के मसल डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे स्कैपुलर रीजन के मसल। तो स्कैपुलर रीजन के अंदर टोटल 6 मसल्स होते हैं, ठीक है। पहला मसल जो आ जाता है दैट इज़ डेल्टॉइड। ये मसल जो होता है ये डेल्टा शेप होता है, इस तरह का मसल होता है, इसलिए इसको कहते हैं डेल्टॉइड, ठीक है। सेकेंड जो मसल होता है स्कैपुलर रीजन के अंदर, उसको कहते हैं सुप्रा स्पाइनेटस। ये मसल जो है, ये जो सुप्रा स्पाइनस फोसा होता है स्कैपुला का, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं सुप्रा स्पाइनेटस। और अगला मसल जो आ जाता है दैट इज़ इंफ्रा स्पाइनेटस। ये मसल ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द इंफ्रा स्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला, इसलिए इसको नाम देते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस। उसके बाद जो मसल आ जाता है दैट इज टीरीज मेजर, ठीक है। और नेक्स्ट मसल जो आ जाता है दैट इज टीरीज माइनर। और लास्ट मसल जो है दैट इज सबस्कैपुलरिस, ठीक है। तो ये टोटल 6 मसल होते हैं स्कैपुलर रीजन के अंदर। अब हम इनकी नर्व सप्लाई देख लेते हैं कि जो डेल्टॉइड है उसको नर्व सप्लाई मिलती है फ्रॉम द एक्सिलरी नर्व, ठीक है। इसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? एक्सिलरी नर्व। और जो मसल है सुप्रा स्पाइनेटस को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? सुप्रा स्कैपुलर नर्व। इंफ्रास्पाइनेटस को भी कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? सुप्रा स्कैपुलर नर्व। टीरीज मेजर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुप्रा स्कैपुलर नर्व। टीरीज माइनर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? एक्सिलरी नर्व। और सब स्कैपुलरिस को भी कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सुप्रा स्कैपुलर नर्व। तो इन मसल्स की नर्व सप्लाई भी याद करना बहुत आसान है। डेल्टॉइड और टीरीज माइनर को सप्लाई आती है फ्रॉम द एक्सिलरी नर्व, बाकी सबको सप्लाई आ रही है फ्रॉम द सुप्रा स्कैपुलर नर्व। अब ये जो स्कैपुलर रीजन के 4 मसल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? रोटेटर कफ मसल, ठीक है। और उन 4 मसल में कौन कौन से मसल आ जाते हैं रोटेटर कफ में? पहला आ जाता है, इसके लिए आपने मोनिक याद रखें, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ठीक है, तो ये मसल क्या बनाते हैं? 4 रोटेटर कफ मसल। रोटेटर कफ मसल इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट के ऊपर जो रोटेशन होती है उसके दौरान ये शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? रोटेटर कफ मसल्स।